हेलो दोस्तों, मैं हूं शगर और आप देख रहे हो टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ए एड से कैसे आप विड्रॉल ले सकते हो। ए एड्स में जो भी अर्निंग होता है वो बिटकॉइन में होता है। सो आप कैसे बिटकॉइन को अपना इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन डिटेल होने वाला है। सो वीडियो पे बने रहिए। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, मैं ओपन कर लिया मेरा ए एड्स का अकाउंट। सो अकाउंट्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली जाना है गो टू फाइनेंस पेज। सो यहाँ पे क्लिक करके आपका फाइनेंस पेज में जाना है। यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे विड्रॉल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सो विड्रॉल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तीन ठो मेथड यहाँ पे मिलता है विड्रॉल मेथड। सो एक है टू बिटकॉइन एड्रेस, एक है एक्सप्रेस क्रिप्टो डॉट आईओ पे एंड एक फाउसेंट पे डॉट आईओ पे। सो मैं रिकमेंड करूँगा बिटकॉइन एड्रेस पे ही लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर पाओगे। और अगर दूसरा कोई भी फाउसेंट पे में अगर पेमेंट लेते हो तो वहाँ से आपको फिर से कोई भी एक्सचेंज में डालना होगा और वहाँ से फिर से बैंक अकाउंट में लेना होगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट मेथड, बिटकॉइन एड्रेस अपना डालना है। सो यहाँ पे सिलेक्ट करना है फर्स्ट मेथड। ओके, अब क्या करना है, आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाना है। सो प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है बाइनेंस। दोस्तों, कोई भी मैं इंडियन एक्सचेंज को रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत होता है। क्योंकि मैं ए एड्स का जो रिव्यू वीडियो बनाया था वहाँ पे वजीरेक्स को बोला था इंस्टॉल करने के लिए, मगर उसमें भी बहुत सारा दिक्कत है, इशू है एंड बैंक चार्जेस वगैरह लगता है। मगर बाइनेंस से अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। वहाँ पे आपको जस्ट P2P मेथड यूज़ करना है। सो हम दिखा देते हैं, घबराना नहीं है, जस्ट बाइनेंस को इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बाइनेंस को ढूंढना है एंड इंस्टॉल करने कर लेना है अपना मोबाइल पे। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट आपका काम होगा KYC को कंप्लीट करना, ठीक है ना। KYC को ध्यान से कंप्लीट करना होगा। अगर KYC में दिक्कत आ रहा है तो आप बताना, मैं फिर से एक अकाउंट क्रिएट करके दिखा दूंगा कैसे KYC वगैरह करते हैं, मगर बहुत ही इजी प्रोसेस है, वो आप लोग कर पाएंगे। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाइनेंस में लॉगिन कर चुका हूँ। और बड़ा अमाउंट अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको KYC करना ही होगा बाइनेंस पे। KYC करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे वेरीफाइड करके दिखाई देगा। ओके, सो मेरा KYC किया हुआ है इसमें, तो आप लोग अपना पैन या आधार कार्ड के साथ अपना सेल्फी लेके KYC प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है BTC। सो BTC आ गया। सो यहाँ पे BTC बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद एक एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। सो यहाँ पे इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपका जो ए एड्स है वहाँ पे आना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, पहले से ही मैं मतलब एड्रेस को पेस्ट किया हुआ था। सो एड्रेस को यहाँ पे जस्ट विड्रॉल एड्रेस पे पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। विड्रॉल एड्रेस पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, 0.001 BTC मिनिमम आपका अकाउंट में, अगर एड्स अकाउंट में अगर होगा तो आप विड्रॉल ले सकते हो। पॉइंट उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो, 0.002 जैसे कि मैंने सिलेक्ट करके रखा। तो ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आप अपडेट विड्रॉल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जस्ट केयरफुली आपको BTC एड्रेस को
कॉपी करना है। इस एड्रेस को यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। सो एड्रेस को केयरफुली कॉपी करना है। यहाँ पे देखो ऊपर में बहुत सारा ऑप्शंस है, किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, फर्स्ट वाला BTC ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके रखना है। सो ऊपर में देखो बहुत सारा ऑप्शन है, सो BTC को ही सिलेक्ट करके रखना है एंड इसको एड्रेस को कॉपी करना है, ठीक है ना। एड्रेस को कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके। उसके बाद अपडेट कर देना है। सो अपडेट करने से आप जब भी आपका ये जो थ्रेशोल्ड है 0.001 या आप 0.023, जैसे आप अपना मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हो। सो 0.001 BTC मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है, सो उसको सिलेक्ट करके रखना है आपको। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, और जीरो फॉर फॉसेंट पे .io, सो फॉसेंट पे पे भी आप विड्रॉल ले सकते हो, उसमें कोई भी विड्रॉल लिमिट नहीं है। सो यहाँ पे अगर मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि फॉसेंट पे में आप पेमेंट लो, क्योंकि फॉसेंट पे में अगर आप फॉसेंट पे से आपको वहाँ से फिर से कोई भी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट में विड्रॉल लेना होता है, तो मैं इसलिए फॉसेंट पे को रिकमेंड नहीं करता हूँ। उस केस के लिए आपका ज़्यादा चार्जेस करता है, इसलिए यही जो मेथड मैंने बताया इसको ही यूज़ करना है, ओके। अब बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करोगे? सो यहाँ पे जैसे कि डिपॉजिट में अगर आपका BTC आ जाएगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे, जो यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक कर देना, स्पॉट पे क्लिक कर देने के बाद BTC पे आप विड्रॉल लिए हो। सो BTC आपको दिखाएगा कितना BTC आपको आया है। मेरे पास अभी BTC नहीं है, कोई और कॉइन से दिखा देते हैं, जैसे कि इथीरियम। यहाँ पे मेरे पास इथीरियम है, सो यहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपके पास अगर BTC आएगा तो BTC आपको दिखाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इथीरियम मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इथीरियम पे जाने के बाद क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो इथीरियम/USDT। सो इथीरियम को आपको USDT पे मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँगा, तो इथीरियम/USDT पे क्लिक कर देना होगा। अगर BTC पेयर में आपका आया, BTC में आपको आएगा, तो BTC में आपको BTC को USDT में कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बाइंग, आप यहाँ से ये जो ये बाइनेंस एक एक्सचेंज है, तो यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग जाएंगे सेलिंग पे, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस चल, मतलब देख लेना आप प्राइस के हिसाब से आपको BTC को सेल करना है। और यहाँ पे अगर 100% करोगे तो पूरा जितना भी BTC या इथीरियम रहेगा आपके पास, अगर BTC रहेगा तो BTC वो सेल हो जाएगा, और सेल पे क्लिक कर देना है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपका वो जो BTC था वो USDT में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी USDT है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो USDT है, $15 USDT है। तो इसको ही हम क्या करेंगे, दिखाएंगे आपको इस USDT को करना है ट्रांसफ़र आपका P2P वॉलेट में। ये तो आया है स्पॉट वॉलेट में, तो आपको ट्रांसफ़र करना होगा इसको। सो ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्पॉट वॉलेट ऊपर में सिलेक्ट रहेगा, और नीचे कोई भी वॉलेट P2P वॉलेट सिलेक्ट हुआ है। सो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पे P2P वॉलेट को ही आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो है USDT हम ट्रांसफ़र किए थे, यहाँ पे क्या सिलेक्ट, क्या सर्च करना है, USDT, ओके, 14 USDT था, तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। सो यहाँ पे पूरा अमाउंट ही हम यहाँ से मैक्सिमम कर देते हैं। सो आ गया। अब इस यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो वो जो USDT स्पॉट वॉलेट में था वो जाएगा P2P वॉलेट में। सो P2P ट्रेडिंग पे अब क्लिक कर देना है, ओके।
अब P2P टेली ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, बाय एंड सेल। आपको तो सेल करना है तो सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फिल्टर कर लेना है। आप अगर UPI पेमेंट लेना चाहते हो या गूगल पे पे पेमेंट लेना चाहते हो या आप पेटीएम पे पेमेंट लेना चाहते हो या आप बैंक में पेमेंट लेना चाहते हो, सारे का सारा ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बैंक में लेना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप UPI पे पेमेंट लेना चाहते हैं तो UPI को सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको ऑल पे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा मर्चेंट दिखाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको ही आप ट्रांसफ़र करिएगा, मतलब USDT को देना है। कैसे देना है वो दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिमिट है तो उतना आपके पास अगर नहीं है USDT तो उस हिसाब आपके पास जितना है उस हिसाब से आपको ट्रांसफ़र करना है। तो आपको फाइंड कर लेना है मर्चेंट जिसको USDT आप ट्रांसफ़र कर पाओ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मर्चेंट है, उसको मैं, मेरे पास 14 जो USDT था उसको ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र फ्रॉम इंडिया, सो बैंक में भी बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये बंदा। हाँ, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैलेंस 14.99 USDT मेरे पास है। सो यहाँ पे आपके पास जितना भी होगा आप सेल करना चाहेंगे तो सेल करना है। उसके बाद सिलेक्ट पेमेंट मेथड, यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे जाना है। अगर आप पहले से पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके नहीं रखे हैं तो पेमेंट मेथड को आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद ये जो मैं पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर दिया बैंक अकाउंट, सो उसके बाद सेल USDT पे क्लिक कर देना है। सेल USDT पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि दिखाएगा USDT, मतलब यहाँ पे टाइमर चलेगा। यहाँ पे चैट कर सकते हो, जिसको भी आप सेंड कर रहे हो उसके साथ आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे चैट भी कर सकते हो, क्या कि आप पेमेंट कर दिया तो स्क्रीनशॉट भेजिए, या तो आपको बैंक अकाउंट को चेक करना होगा बैंक अकाउंट में आया है या नहीं है। सो यहाँ पे एप भेज रहा है, बोल रहा है, तो देखते हैं, वेट कर लेते हैं। 30 मिनट तक मैक्सिमम टाइम होता है, उसके अंदर ही ज़्यादातर भेज देता है। तो वेट कर लेना है उतना टाइम तक। यहाँ पे जैसे कि 5 मिनट का टाइमर चलता है, उसके बाद आप इसको और 30 मिनट मिलता है, उसके अंदर इसको पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं आता है तो आप USDT को रिलीज़ मत करिएगा, क्योंकि USDT एक बार रिलीज़ हो गया तो आपको रीपे नहीं करेगा। सो टू केयरफुल हियर, सो USDT को आपको रिलीज़ नहीं, बैंक में भेज देगा, उसके बाद ही आपको USDT को रिलीज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, प्लीज़ चेक द फॉलोइंग अकाउंट, कन्फर्म द रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर। सो बोल रहा है कि कन्फर्म पेमेंट भेज दिया। सो चेक कर लेते हैं पेटीएम अकाउंट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पेटीएम बैंक में भेज दिया। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करके या इसे आप P2P मेथड में आप ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म रिसिप्ट पे क्लिक कर, उसके बाद एक OTP आपका मोबाइल पे आएगा, उसको सबमिट यहाँ पे करना होगा। सो कन्फर्म हो गया, सो डन पे क्लिक कर देना है। सो आपका USDT भी कट गया और वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगा इस केस में। सो बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे, मतलब केयरफुली आपको P2P ट्रांसफ़र करना है। आई होप के इस वीडियो से आप लोगों को पता चल चुका है कैसे E-Ad से अपना बैंक अकाउंट में विड्रॉल आप ले सकते हो।
सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है. अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ. टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर.